कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए CGPSC की पाठशाला क्लासेस को और करें अपने CGPSC एंड व्यापम का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, मैं निखिल कुमार एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल CGPSE पाठशाला में। CGPSE पाठशाला में आज हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं मई महीने के करंट अफेयर्स पर। देखिए, बीच में से आप में से बहुत से स्टूडेंट यूट्यूब पर ये मैसेज कर रहे थे कि मई महीने के करंट अफेयर का वीडियो अपलोड क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हम जो है 15 दिन के 15 दिन करंट अफेयर के वीडियोस अपलोड कर रहे हैं यूट्यूब पे। लेकिन इस बार क्या हुआ कि जो बीता हुआ जो महीना गया उसमें 15 दिन में करंट अफेयर के उतने कंटेंट ही इकट्ठे नहीं हुए थे, करंट अफेयर में पढ़ाने के लिए ज़्यादा कोई कंटेंट था ही नहीं, इस कारण से वीडियो अपलोड नहीं हुआ। ठीक, पूरे के पूरे एक महीने के करंट अफेयर को आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपका करंट अफेयर का वीडियो आना बंद हो जाएगा, कभी बंद नहीं होगा, करंट अफेयर के वीडियो आएंगे, लेकिन डिपेंड करता है कि कितने कंटेंट कलेक्ट होते हैं। 5 मिनट 6 मिनट के वीडियो बनाने में कोई ऐसे पढ़ाने में उतना मजा नहीं आता, थोड़ा सा कंटेंट ज्यादा रहे तो आपको पढ़ने में मजा आएगा और मुझे पढ़ाने में भी थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, करंट अफेयर मई 2022। ठीक, सबसे पहले नंबर पर है आपका मुख्यमंत्री मितान योजना। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा आपका 1 मई 2022 को एक नई योजना की शुरुआत की गई। 1 मई 2022 इसरो था आपका अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इस दिन जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के अवसर पर 1 मई 2022 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा एक नई योजना की शुरुआत की गई, जिसका नाम था मुख्यमंत्री मितान योजना। ठीक है, मितान का मतलब क्या होता है, दोस्त, मित्र। ठीक, अब देखिए, ये जो आपका मुख्यमंत्री मितान योजना, ये है क्या, इसे समझिएगा। इस मुख्यमंत्री मितान योजना के माध्यम से 13 प्रकार की सरकारी सेवाओं की घर पहुंच सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, यानी कि इसमें कुछ लोगों को अपॉइंट किया गया है जिन्हें मितान कहा जाता है, यानी कि आम नागरिकों का दोस्त, वो आपके घरों में आकर के आपसे जो है डॉक्यूमेंट लेकर के आपकी जो जरूरत है, जो सरकारी सेवाएं है वो आपको उपलब्ध कराएगा। किस प्रकार की सरकारी सेवाएं, जैसे कि देखिए, योजना के तहत नागरिकों को मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, दस्तावेज की नकल, गैर डिजिटलाइज्ड भूमि रिकॉर्ड आदि, मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह पंजीकरण, जन्म प्रमाण पत्र, दुकान व स्थापना पंजीकरण, ठीक है, जन्म प्रमाण पत्र सुधार, मृत्यु प्रमाण पत्र सुधार, विवाह प्रमाण पत्र सुधार आदि, कुल 13 प्रकार की सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराई जाएगी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, ये मेनली टारगेट करता है आपके महिलाओं को, बुजुर्ग लोगों को, ठीक, दिव्यांग जनों को, जिनको क्या है अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, नया दस्तावेज बनाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो ये सारी चीजों को हटाने के लिए, यानी कि सरकारी 13 प्रकार की सरकारी सुविधाओं की घर पहुंच सेवा उपलब्ध कराई जा रही है। इसमें एक मितान अपॉइंट किया जाएगा जो आपके घरों में आकर के जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है एक पर्टिकुलर दस्तावेज को बनाने के लिए, वो आकर के आपसे कलेक्ट करेगा और जब ये दस्तावेज बन जाएगा तो आपके घरों में ला करके उसे डिलीवर भी करेगा। यह है मुख्यमंत्री मितान योजना, जिसके अंतर्गत प्रारंभिक तौर पर कुल तेरह प्रकार की शासकीय सेवाओं की घर पहुंच सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। अभी शुरुआती तौर पर यह जो मुख्यमंत्री मितान योजना है, यह आपके 14 नगर निगमों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसे प्रारंभ किया गया है। धीरे धीरे इसका विस्तार ग्रामीण क्षेत्रों में भी होगा, लेकिन शुरुआती तौर पर 1 मई 2022 को यह जो योजना है यह प्रदेश के 14 नगर निगमों में लागू कर दी गई है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, अगर किसी को अगर अपना कोई दस्तावेज बनाना है, जो भी 13 प्रकार के यहां पर डॉक्यूमेंट मेंशन किए गए हैं, वो आपके 14545 इस नंबर पर, यह क्या है, मितान टोल फ्री नंबर है, इस नंबर पर कांटेक्ट करके इस मितान को अपने घर बुला सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, डेट इंपॉर्टेंट है, ये जो आपका डेट है 1 मई 2022 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा मुख्यमंत्री मितान योजना की शुरुआत की गई। ठीक है, मुख्यमंत्री मितान योजना, हमर सरकार हमर द्वार। ठीक है, टोल फ्री नंबर भी याद रखिएगा 14545। ठीक है, और इस 1 मई वाले डेट में एक चीज और याद रखना, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा इस दिन लोगों से आग्रह किया गया था कि इस दिन को जो है बोरेबासी दिवस के रूप में मनाए, यानी कि इस दिन जो है एक दिन समय निकाल करके इस दिन लोग बोरेबासी खाए। ये हमारे प्रदेश का एक तरीके से बोल सकते हैं परंपरागत व्यंजन है। ठीक है, तो बोरेबासी दिवस 1 मई को, ठीक है, यह भी मनाया गया, इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना। सियान का मतलब क्या होता है, सियान का मतलब होता है आपका बुजुर्ग। ठीक है, बुजुर्ग
सियान सहायता योजना, ये भी इस योजना की भी शुरुआत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के अवसर पर 1 मई 2022 को की गई। ठीक, मुख्यमंत्री सियान, मुख्यमंत्री श्रमिक, यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे क्या लिखा हुआ, श्रमिक, ठीक, यानी कि मजदूर, श्रमिक सियान सहायता योजना। ठीक, इसकी शुरुआत कब हुई, 1 मई 2022 को। अब इसके अंतर्गत कौन शामिल है, इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन निर्माण मंडल में पंजीकृत भवन कर्मकार कल्याण मंडल के अंतर्गत श्रमिक जो विगत 3 वर्षों से पंजीकृत है। देखिए, इसके अंतर्गत ऐसे मजदूर शामिल है, ऐसे श्रमिक शामिल है जो बुजुर्ग हो चुके हैं, जो कि आपके भवन निर्माण कार्य में संलग्न है। ठीक है, जैसे कि ठेकेदार के अंतर्गत बहुत से आपके श्रमिक कार्य करते हैं, लेकिन शर्त क्या है कि वो जो है छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण मंडल में पंजीकृत भवन कर्मकार कल्याण मंडल के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए। कब से, विगत 3 वर्षों से। पहले ये जो है आपका 5 वर्ष इसका टाइम ड्यूरेशन था इस योजना में शामिल होने के लिए, लेकिन बाद में 12 मई को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया और उसमें ये वर्ष को घटा करके 3 वर्ष कर दिया गया है। ठीक है, तो देखिए इसके लिए जो पात्र कौन होंगे, इसके लिए ऐसे व्यक्ति जिनकी न्यूनतम आयु 59 वर्ष और अधिकतम आयु 60 वर्ष हो। ठीक है, पहला कंडीशन ये कि बुजुर्ग होना चाहिए, दूसरा वो जो है इस योजना के तहत जब उनकी आयु 59 वर्ष की हो या फिर अधिकतम आयु 60 वर्ष की हो, केवल 2 ईयर यहां मेंशन किया गया है क्योंकि ऐसे लोगों को ही बुजुर्ग कहा जा रहा है। देखिए, हमारे जो आपका कोई भी व्यक्ति हमारे देश में 59 वर्ष की आयु वर्ग तक किसी भी कार्य को करने के लिए सक्षम माना जाता है, तो ये न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है। और ये 60 वर्ष, आपको लग रहा होगा कि इसमें 1 साल का टाइम ड्यूरेशन क्यों दिया गया है, क्योंकि जो आपका पंजीकरण हुआ है ये 60 वर्ष के बाद ऑटोमेटिकली लैप्स हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ये जो आपका पंजीकरण का जो टाइम ड्यूरेशन है, जो इस आपके सन निर्माण मंडल के अंतर्गत जो भी अपना रजिस्ट्रेशन कराएगा उसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो 60 वर्ष की आयु में ऑटोमेटिकली लैप्स हो जाता है। ठीक है, इस कारण से, वरना देखने में ऐसा लग रहा है कि 59 वर्ष से शुरुआत हो रहा है और 60 वर्ष में समाप्त कैसे। ठीक है, तो ये रिटायरमेंट का एज होता है आपका 60 साल। ठीक, तो देखिए इसके अंतर्गत न्यूनतम आयु 59 वर्ष तथा अधिकतम आयु 60 वर्ष पंजीकृत बुजुर्ग श्रमिक होना चाहिए। इस योजना के तहत 10,000 रुपए की एकमुश्त सहायता राशि प्रदान की जाएगी। कंडीशन क्या क्या है, आयु न्यूनतम 59 वर्ष, अधिकतम 60 वर्ष होनी चाहिए, इस आपके भवन कर्मकार मंडल के अंतर्गत पिछले 3 सालों से पंजीकृत होनी चाहिए। ठीक है, पिछले 3 साल से वो रजिस्टर्ड होने चाहिए। उन्हें एक मुश्त, यानी कि ये 59 वर्ष या 60 वर्ष के बीच में, उन्हें एक मुश्त इस योजना के अंतर्गत 10,000 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी एक साथ। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना की शुरुआत कब हुई, 1 मई 2022 को। ठीक है, अब देखिए इस अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा कुछ अन्य घोषणाएं भी की गई, जैसे कि निर्माण श्रमिक ई रिक्शा सहायता योजना के तहत महिलाओं के लिए ई रिक्शा पर अनुदान अब 50,000 रुपए से बढ़ा करके कितना कर दिया गया है, 1 लाख रुपए। ठीक है, महिला सशक्तिकरण की दिशा में लिया गया एक महत्वपूर्ण निर्णय है। ठीक, देखिए महिलाएं जो कि श्रमिक है वो अगर ई रिक्शा चलाना चाहती, यानी कि अपने काम निपटाने के बाद जो बचा हुआ समय है जिसमें वो अपने अन्य आय का साधन बनाना चाहती है, तो उन्हें ई रिक्शा खरीदने में अनुदान सहायता राशि प्रदान की जाएगी, जो कि पहले थी 50,000 रुपए, अब इसे बढ़ा करके 50,000 से कर दिया गया है 1 लाख रुपए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान दीजिएगा। ठीक, इसमें क्या है, निर्माण श्रमिक ई रिक्शा सहायता योजना के अंतर्गत महिलाओं को रिक्शा खरीदने के लिए अनुदान राशि 50,000 से बढ़ा करके 1 लाख कर दी गई। ठीक, नेक्स्ट, नोनी सुरक्षा योजना के अंतर्गत बच्चियों की आयु 18 साल से बढ़ा करके 21 साल कर दी गई है, यानी कि उम्र सीमा में 3 साल की वृद्धि की गई। देखिए नोनी सुरक्षा योजना क्या है, एक्चुअली हमारे प्रदेश में जो लगातार लिंगानुपात जो गिर रहा था, यानी कि प्रति हजार पुरुषों की संख्या में या बालकों की संख्या में बालिकाओं की संख्या, यह कहलाता है लिंगानुपात, हमारे प्रदेश में लगातार जो है लिंगानुपात में गिरावट आ रही थी, तो इसमें सुधार करने के लिए प्रदेश सरकार ने नोनी सुरक्षा योजना प्रारंभ की। इस योजना के अंतर्गत ऐसी बालिकाएं, इस योजना के अंतर्गत पहली बात तो 2 बालिकाओं को शामिल किया जाता है। ठीक है, किसी भी आपके गरीब परिवार या बीपीएल परिवार की 2 बालिकाओं को शामिल किया जाता है। ठीक है, इस नोनी सुरक्षा योजना के अंतर्गत ऐसी बालिकाएं जिनकी 18 वर्ष की आयु तक उनका विवाह न हुआ हो और उनकी 12वीं तक की
शिक्षा पूर्ण हो चुकी हो तो उन्हें 1,00,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। ठीक है, तो अब इसमें जो आपका 18 वर्ष जो इसमें मेंशन किया गया था उसे बढ़ा करके कर दिया गया आपका 21 वर्ष। ठीक, नोनी सुरक्षा योजना जिसकी शुरुआत हुई है आपके 1 अप्रैल 2014 से हमारे प्रदेश में इस नोनी सुरक्षा योजना की शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो देखिए ये जो है इसमें ध्यान ये दीजिएगा, जो निर्माण श्रमिक ई रिक्शा सहायता योजना और नोनी सुरक्षा योजना के अंतर्गत ये जो लाभ मिलेगा वो केवल उन्हीं लोगों को मिलेगा जो इस कर्मकाल कल्याण मंडल के अंतर्गत पंजीकृत है। ठीक है, ऐसा एक आर्टिकल आया था तो थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक, लेकिन आपसे उतना डिटेल में नहीं पूछेगा, बस ये पूछेगा कि निर्माण श्रमिक ई रिक्शा सहायता योजना के अंतर्गत कितनी सहायता अनुदान दिया जाएगा, वो है 1,00,000 रुपए, और नोनी सुरक्षा योजना की आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, वो कर दी गई है आपके 21 वर्ष। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है नेशनल पार्क क्षेत्र में वन संसाधन मान्यता पत्र देने वाला देश का दूसरा राज्य बना हमारा छत्तीसगढ़। ठीक, अब देखिए ये है क्या, समझिएगा, इसमें एक टर्म यूज होता है जिसका नाम है CFRR, यानी कि कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट, यानी कि ऐसे समुदाय जो कि जंगल क्षेत्र में रहते हैं वो जंगल क्षेत्र के संसाधन रिसोर्स यानी संसाधन के उपयोग करने का उन्हें अधिकार प्राप्त होना, कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट्स। अब देखिए ये है क्या, एक्चुअली समझिएगा, हमारे प्रदेश में जो है आपके वनों का वर्गीकरण होता है कैसे, आरक्षित वन, संरक्षित वन, अवर्गीकृत वन। आज आरक्षित वन यानी कि रिजर्व फॉरेस्ट, ऐसा वन क्षेत्र जिसमें मानव हस्तक्षेप पूर्णतः प्रतिबंधित होता है। ठीक है, मानव उस जंगल में किसी प्रकार की क्रियाकलाप नहीं कर सकते, वो कहलाता है आपका आरक्षित वन यानी कि रिजर्व फॉरेस्ट। हमारे प्रदेश में क्या है, आपके वन वनों के अंतर्गत प्रदेश सरकार ने पट्टा बांटना यानी कि जो है अधिकार पत्र बांटना, वहां के संसाधनों के उपयोग किए जाने के लिए वन संसाधन के पट्टा वितरित किए जाने का प्रारंभ काफी पहले से कर दिया था। देखिए एक्चुअली में क्या हो रहा है कि बहुत से ऐसे गांव है, बहुत से ऐसे ग्रामीण क्षेत्र है जो जंगलों में रहते हैं, लेकिन सरकार के ये जो आपका रिजर्व फॉरेस्ट है, जो आरक्षित वन है, उस कारण से वो उन संसाधनों का, उन वनों के अंतर्गत आने वाले संसाधनों का उपयोग नहीं कर सकते। इस कारण सरकार क्या करती है, वन संसाधन का आपका अधिकार पत्र बांटती है, पट्टा वितरित करती है। लेकिन अभी तक ये आपका अधिकार पत्र केवल आरक्षित वन के अंतर्गत था, लेकिन वो जो आपका मान्यता पत्र था वो केवल वनों में वितरित किया जाता था, यानी कि वन क्षेत्र के अंतर्गत वितरित किया जाता था। लेकिन पहली बार हमारा जो छत्तीसगढ़ सरकार है वो आपके वन्य जीव जिस जगह पर रह रहे हैं, जो वन्य जीवों का क्षेत्र है यानी कि राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व, ऐसे क्षेत्रों में भी मान्यता पत्र वितरित कर रहा है। ठीक, देखिए ध्यान समझिएगा, सबसे पहले हमारे जो आपके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा अभी हाल ही में बस्तर वाले क्षेत्र में उन्होंने भेंट किया, वहां पर उन्होंने एक गांव है जिसका नाम है गुड़िया पदार जो कि गोड़ समुदाय का बहुल क्षेत्र है। एक्चुअली में जो गुड़िया पदार है ये कांगेर घाटी नेशनल पार्क, जो कि आपके बस्तर में स्थित है, बस्तर में मौजूद है आपका कांगेर घाटी नेशनल पार्क। ठीक, ये जो आपका कांगेर घाटी नेशनल पार्क के अंदर स्थित लगभग 29 घरों का एक छोटा सा गांव है, ये जो गुड़िया पदर है ये 29 घरों का एक छोटा सा गांव है जिसे राजस्व गांव का भी दर्जा नहीं दिया जा सकता। ठीक है, इनका जो है इस गांव का जिक्र हमारे जनगणना में भी नहीं हुआ है, काफी छोटा सा गांव है। तो उनको उनको क्या है, उनको मुख्य धारा में शामिल करने के लिए, चूंकि ये कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आ रहा है और ये क्या है, ये एक रिजर्व फॉरेस्ट है, बिना सरकार के इसमें जो है मानव हस्तक्षेप किया ही नहीं जा सकता। तो सरकार ने क्या किया, इन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए इन्हें प्रदान किया CFRR यानी कि कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट, यानी कि ये जो गुड़िया पदर के जितने भी ग्रामीण है, जितने भी 29 आपके गांव 29 घर है उसमें रहने वाले लोग इस कांगेर घाटी नेशनल पार्क के अंतर्गत आने वाले सभी वन्य संसाधन का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, सभी वन्य संसाधन का उपयोग कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि नेशनल पार्क क्षेत्र में वन संसाधन का मान्यता, वन संसाधन मान्यता पत्र देने वाला हमारा छत्तीसगढ़ दूसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर है आपका उड़ीसा, उड़ीसा में जो है आपके सिमलीपाल के बाद हमारा छत्तीसगढ़ सेकेंड नंबर पर है, जो कि राष्ट्रीय उद्यान में वन संसाधन का मान्यता पत्र वितरित कर रहा है। ठीक, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कौन सा गांव है, गुड़िया पदार, कहां पर है, बस्तर में, किस आपके राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत वन संसाधन मान्यता पत्र वितरित किया गया है, कांगेर घाटी नेशनल पार्क के अंतर्गत। ठीक, इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी। हाल ही में ये जो आपकी कंपनी है ये चर्चा में इसलिए रही, हमारे छत्तीसगढ़ की CSPGCL
ठीक है, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी, ये जो है हाल ही में चर्चा में इसलिए रही क्योंकि ये वर्ष 2021-22 में विद्युत उत्पादन के मामले में देश में चौथा स्थान पर रही। विद्युत उत्पादन के मामले में का मतलब देखिए, हमारे जो आपका छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन है उसका प्लांट लोड फैक्टर वो रहा आपका 70.40%। प्लांट लोड फैक्टर क्या होता है, एक कंपनी की विद्युत उत्पादन करने की क्षमता डिवाइडेड बाय अधिकतम क्षमता, एक फॉर्मूला है इसका, ठीक है, ये रहता है आपका पी एवरेज अपॉन पी मैक्सिमम, यानी कि एक प्लांट औसतन कितना आपका विद्युत का उत्पादन कर रही है डिवाइडेड बाय मैक्सिमम कितना करती है, ये निकलता है आपका प्लांट लोड फैक्टर। तो हमारे प्रदेश का इस छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी का प्लांट लोड फैक्टर रहा 70.40%, और इस 70.40% के साथ देश के 33 विद्युत गृहों में हमारा छत्तीसगढ़ कौन से पोजीशन पर है, फोर्थ पोजीशन पर है। इसे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, हाल ही में एक रिपोर्ट आया जो कि केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत यह आपका प्राधिकरण है, उसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया जिसमें बताया गया कि हमारा छत्तीसगढ़ आपके 70.40% प्लांट लोड फैक्टर के साथ वित्तीय वर्ष 2021-22 में विद्युत उत्पादन के मामले में चौथे स्थान पर रहा, ठीक है, जबकि हमारे देश का औसतन आपका प्लांट लोड फैक्टर रहा, यानी कि ओवरऑल 33 का एवरेज जो आपका प्लांट लोड फैक्टर रहा वो रहा आपका 58.86%, ठीक है। अगर हम हमारे छत्तीसगढ़ की बात करें, हमारे छत्तीसगढ़ में जितने भी विद्युत उत्पादन संयंत्र है, ताप विद्युत संयंत्र, जो आपका ताप विद्युत उत्पादन संयंत्र है, देखिए इसके अंतर्गत ना केंद्रीय ताप विद्युत संयंत्र, राज्य ताप विद्युत संयंत्र, जल विद्युत, जो आपका जल विद्युत संयंत्र, ये सारे के सारे इसमें शामिल है, ठीक है। ऐसा नहीं कि जैसे एनटीपीसी भी शामिल है तो आपका छत्तीसगढ़ सरकार के अधीन जो संयंत्र है वो भी शामिल है, एनटीपीसी केंद्र सरकार के अंतर्गत कार्य करती है, और जो आपका जैसे हमारे यहां कोरबा पूर्व है, कोरबा पश्चिम है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये छत्तीसगढ़ या राज्य सरकार के अधिकृत कंपनी है, तो इसके अंतर्गत केंद्र और राज्य सारे आपके विद्युत उत्पादन गृह इसमें शामिल किए गए थे। तो जो रिपोर्ट आया उसमें ध्यान दीजिएगा, हमारे छत्तीसगढ़ में जितने भी आपके विद्युत संयंत्र है उसमें से श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत संयंत्र कोरबा पूर्व का मैक्सिमम रहा प्लांट लोड फैक्टर 89.22% पीएलएफ प्लांट लोड फैक्टर अर्जित कर इसने कीर्तिमान स्थापित किया, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत संयंत्र का प्लांट लोड फैक्टर सर्वाधिक रहा हमारे छत्तीसगढ़ में, और जबकि छत्तीसगढ़ देश में चौथे स्थान पर है विद्युत उत्पादन के मामले में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ का पहला सिंथेटिक फुटबॉल मैदान, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझिएगा, छत्तीसगढ़ का पहला सिंथेटिक फुटबॉल मैदान, इसका लोकार्पण किया गया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा 26 मई 2022 को। इस फुटबॉल मैदान का नाम है इंदिरा प्रियदर्शिनी स्टेडियम। ये जो आपका इंदिरा प्रियदर्शिनी स्टेडियम है ये मौजूद है आपके जगदलपुर बस्तर में। ये प्रदेश का पहला, ध्यान दीजिएगा, फीफा से मान्यता प्राप्त सिंथेटिक फुटबॉल ग्राउंड विथ रनिंग ट्रैक है। विथ रनिंग ट्रैक का मतलब जैसे कि ये जो आपके हरे कलर का घास देख रहे हैं ये फुटबॉल का मैदान है, और इसके साइड में जो आप ये रेड कलर का देख रहे हैं ये दौड़ने के लिए यहां पर ट्रैक बने हुए हैं, तो वही है सिंथेटिक फुटबॉल ग्राउंड विथ रनिंग ट्रैक, ठीक। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये फीफा का नाम तो आप सुने ही होंगे, ठीक है। फीफा जब कभी भी फुटबॉल का आपका विश्व कप होता है उसे ऑर्गेनाइज कराती है, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल के मैदानों को मान्यता देती है, हमारे छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़ी बात है ये, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, प्रदेश का पहला फीफा, फीफा का फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, से मान्यता प्राप्त सिंथेटिक फुटबॉल ग्राउंड विथ रनिंग ट्रैक तैयार किया गया है, ठीक। तो प्रश्न पूछा जाएगा, इंदिरा प्रियदर्शिनी स्टेडियम या प्रदेश का पहला सिंथेटिक फुटबॉल ग्राउंड किस जगह पर है, तो जगदलपुर बस्तर में मौजूद है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड WHO जेनेवा के द्वारा। हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड ये प्रदान किया गया है आपके आशा कार्यकर्ताओं को। ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका आशा कार्यकर्ता है इन्हें ही हमारे छत्तीसगढ़ में मितानिन के नाम से जाना जाता है। मितानिन, अब ये आशा कार्यकर्ता है, मितानिन होते क्या समझिएगा। देखिए हमारे छत्तीसगढ़ में जो है आपके मातृत्व मृत्यु दर, छत्तीसगढ़ ही नहीं राष्ट्रीय स्तर पर मातृत्व मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर एक बहुत बड़ी आपकी समस्या है। उसका मेन कारण क्या है कि जब महिलाएं गर्भवती होती है गर्भधारण के समय वो संस्थागत प्रसव के स्थान पर परंपरागत प्रसव को ज्यादा महत्व देती थी। पहले की बात है, संस्थागत प्रसव के स्थान परंपरागत मतलब किसी
चिकित्सालय में हॉस्पिटल में जाकर के डिलीवरी कराने के बजाय घर में ही आसपास की महिलाओं की सहायता से घर में ही बच्चे को जन्म देना, यह कहलाता है परंपरागत प्रसव। वो हॉस्पिटल जाना पसंद नहीं करती थी। इसके लिए शुरुआत किया गया था आपका आशा कार्यक्रम, जिसमें महिलाओं को जो है प्रशिक्षित किया जाता था, कुछ महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाता था, वो अपने क्षेत्र की महिलाएं जो कि गर्भवती होती थी उनका देखरेख करती थी, समय समय पर उन्हें अस्पताल में ले जा करके उन्हें इंजेक्शन लगवाती थी, ठीक है, और जब कभी भी उनका समय पूरा हो जाता था, बच्चे की डिलीवरी का समय आता था, तो उन्हें लेकर के अस्पताल तक भी ले जाती थी, यानी कि उन्हें प्रॉपर चिकित्सकीय सहायता प्रदान करती थी, उन्हें जागरूक करने का कार्य करती थी। यह है आपका आशा कार्यक्रम, ठीक है। और इन्हीं आशा कार्यकर्ताओं को छत्तीसगढ़ में मितानिन के नाम से जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा, हाल ही में जो आपका ये चर्चा में क्यों रहा, स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए प्रशिक्षित मितानिन को गांव गांव में तैनात किया गया है हमारे छत्तीसगढ़ में। हाल ही में WHO के द्वारा इस आशा कार्यकर्ताओं को आपका ग्लोबल हेल्थ लीडर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। लेकिन ये जो आशा कार्यकर्ता है, इसकी शुरुआत हमारे छत्तीसगढ़ से हुई थी। ध्यान दीजिएगा, वर्ष 2002 में तत्कालीन मुख्यमंत्री थे आपके अजीत जोगी जी, उन्होंने इस आशा कार्यक्रम को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे शुरू किया था हमारे छत्तीसगढ़ में। हमारे छत्तीसगढ़ में उन्होंने छत्तीसगढ़ मितानिन के नाम से जो है स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए प्रशिक्षित मितानिनों को गांव गांव में उन्होंने तैनात किया। बाद में वर्ष 2005 में, ठीक है, दो यानी कि तीन साल बाद वर्ष 2005 में हमारे छत्तीसगढ़ के इस छत्तीसगढ़ मितानिन को ही एक नया नाम देकर के लॉन्च किया गया, जो कि है आशा कार्यकर्ता। इसका फुल फॉर्म है एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, जिसे शॉर्ट में कहा जाता है आशा नाम से, पूरे देश में लागू किया गया था वर्ष 2005 में। यानी कि जो आशा कार्यक्रम है, इसकी शुरुआत कहां से हुई थी, हमारे छत्तीसगढ़ से हुई थी। और हाल ही में जो है आपके वर्ष 2022 में WHO के महानिर्देशक है, जिनका नाम है डॉक्टर टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस, ठीक है, इनके द्वारा इस अवार्ड की घोषणा की गई और यह अवार्ड प्रदान किया गया आशा कार्यकर्ताओं को। और आशा कार्यकर्ताओं की शुरुआत कहां से हुई है, हमारे छत्तीसगढ़ से हुई है, ठीक है, वर्ष 2002 में, जबकि अखिल भारतीय स्तर पर आशा कार्यक्रम के रूप में यह चालू किया गया था वर्ष 2005 में, ठीक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है भूलन द मैच। ये जो भूलन द मैच है, ये तो काफी चर्चा में रहा, पिछले एक साल से करंट अफेयर बना हुआ है। ध्यान दीजिएगा, 27 मई को देश भर के 100 से अधिक स्क्रीन में इसे रिलीज किया गया, ठीक है, भारत भर के 100 से अधिक स्क्रीन में इसे रिलीज किया गया है। चर्चा में क्यों है, ये हमारे प्रदेश का राष्ट्रीय पुरस्कार पाने वाली पहली छत्तीसगढ़ी फिल्म है, ठीक है, पहली छत्तीसगढ़ी फिल्म है जिसे राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इसे 67वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के रीजनल सिनेमा कैटेगरी में नेशनल अवार्ड से नवाजा गया है। ध्यान दीजिएगा, इस पिक्चर के निर्देशक है जिनका नाम है मनोज वर्मा, इसके पटकथा लेखक भी आपके मनोज वर्मा ही है, ठीक है। ये जो पिक्चर है, ये बनी हुई है एक विषय वस्तु पर, जिसमें पौधे के जरिए सिस्टम पर कटाक्ष किया गया है। पौधे के जरिए सिस्टम पर कटाक्ष का मतलब, यानी कि एक पौधा होता है, उस पौधे पर जिस किसी भी व्यक्ति का पैर पड़ता है तो उसका याददाश्त भूल जाता है। तो इसी चीज को लेकर के यहां पर जो है एक कोर्ट का सीन दिखाया गया है, और ये जो है पौधे के जरिए सिस्टम पर, न्याय व्यवस्था पर कटाक्ष इसमें दिया गया है, ठीक है। ये जो फिल्म है, लगभग 2 घंटे 10 मिनट की ये फिल्म है। ये जो आपका फिल्म बना है भूलन द मेज, ये एक राइटर है जिनका नाम है संजीव बख्शी। संजीव बख्शी की उपन्यास भूलन कांदा पर आधारित है ये मूवी, ठीक है, भूलन कांदा पर आधारित है, जिसके मुख्य अभिनेता है ओंकार दास मानिकपुरी। ये ओंकार दास मानिकपुरी, ठीक। इस फिल्म की शूटिंग आपके गरियाबंद जिले के महुआ भाटा में हुई है। इसके अलावा इस फिल्म में रायपुर सेंट्रल जेल और खैरागढ़ जेल का भी नजारा दिखाया गया है, ठीक है। हाल ही में प्रदेश सरकार ने इस मूवी को टैक्स फ्री कर दिया है, ठीक है, ये मूवी हमारे प्रदेश में टैक्स फ्री है, ठीक, इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, भूलन द मेज। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ी फिल्म बेलाडीला। ये भी आपका हाल ही में काफी चर्चा में रहा। देखिए, ये जो आपका फिल्म है, ये कांस फिल्म फेस्टिवल जो कि फ्रांस में हो रहा है, यहां इस कांस फिल्म फेस्टिवल के लिए चुना गया है। देखिए, इसका जो सिलेक्शन हुआ है, ये सेक्शन गोस टू कांस सेक्शन के लिए चुना गया है छत्तीसगढ़ी फिल्म बेलाडीला। ध्यान दीजिएगा, हमारे देश से को टोटल आपके पांच फिल्म चुने गए हैं इस सेक्शन के अंतर्गत गोज टू कांस फेस्टिवल। काफी बड़ा एक फिल्म महोत्सव है जो आयोजित होता है आपके फ्रांस में। ध्यान दीजिएगा, इस बेलाडीला फिल्म के डायरेक्टर है आपके शैलेंद्र साहू, जबकि निर्माता है राजू विश्वास।
इस ये जो आपका फिल्म बनी है ये हिंदी और छत्तीसगढ़ी दोनों भाषाएं बनी है। इसकी स्टोरी एक 10 साल के बच्चे रिंकू के इर्द गिर्द घूमती है। विशेष बात क्या है कि भारत को गोस टू कांस सेक्शन में 5 फिल्मों का चयन हुआ है। कौन कौन से 5 फिल्म है? एक है आपका बाघ जान जो कि असमिया भाषा पर है, दूसरा है बेला डीला जो कि हिंदी और छत्तीसगढ़ी में है, तीसरा है एक जगह अपनी अ स्पेस ऑफ अवर ओन, ये हिंदी में बना है, फॉलोवर्स जो कि मराठी कन्नड़ और हिंदी में बना हुआ है, और शिवम्मा जो कि कन्नड़ भाषा में बना हुआ है। तो 5 फिल्म का चयन हुआ है इस सेक्शन के अंतर्गत गोस टू कान सेक्शन में, और इन 5 फिल्मों में हमारे छत्तीसगढ़ के बेला डीला की पहाड़ी में फिल्माया गया पिक्चर बेला डीला, ठीक है। ये देखिए, ये है इसका पोस्टर, इस फिल्म का पोस्टर जिसमें 10 साल के बच्चे के इर्द गिर्द घूमती हुई कहानी है आपकी बेला डीला। ये आपके कांस फिल्म फेस्टिवल के सेक्शन गोज टू कांस के लिए चयनित हुआ है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका फिल्म मेरा संघर्ष। हाल ही में फिल्म चर्चा में रहा, ये जो फिल्म है ये प्रोडक्शन संकेत सर्जन और काशी फिल्म प्रोडक्शन मुंबई के द्वारा ये फिल्म आपका फिल्माया जा रहा है। इसके डायरेक्टर है आपके सुबीर साहा। इसकी शूटिंग हो रही है आपके बालोद में, ठीक है, बालोद में इसकी शूटिंग शुरू हुई है। धमतरी, रायपुर, दंतेवाड़ा और बस्तर में भी इसकी इस फिल्म की शूटिंग की जाएगी। देखिए, ये जो फिल्म है मेरा संघर्ष, ये जो फिल्म है ये आपका मछुआरे की प्रेरित कहानी है, एक मछुआरे पर आधारित ये कहानी है मेरा संघर्ष। ध्यान दीजिएगा, ये जो फिल्म है ये रिलीज होगी आपके नवंबर तक 7 भाषाओं में रिलीज होगी, हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़, छत्तीसगढ़ी। अब ये फिल्म चर्चा में क्यों है, ध्यान समझिएगा, इस फिल्म में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और गुंडरदेही के विधायक एवं संसदीय सचिव कुंवर सिंह निषाद भी नजर आएंगे, ठीक है, इसमें अभिनय करते हुए नजर आएंगे। इस फिल्म में छत्तीसगढ़ क्षेत्र के मुख्यमंत्री के रूप में भूपेश बघेल जी, और साथ ही साथ एक मछुआरे के रूप में। देखिए, इस फिल्म की शूटिंग अभी हाल ही में जो है बालोद में हुई, और बालोद में एक तालाब में मछली पकड़ता हुआ एक अभिनय यहां पर जो है करते हुए दिखे आपके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। इसका पोस्टर भी लॉन्च कर दिया गया है, यह है आपका मेरा संघर्ष, ठीक, तो याद रखिएगा मेरा संघर्ष फिल्म। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका सुपर शेषनाग। हाल ही में जो है आपका सुपर शेषनाग ट्रेन चला, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पिछले साल हमने पढ़ा था एक था शेषनाग, शेषनाग से भी आपका चला सुपर शेषनाग, अभी हाल ही में चला, भारत की अब तक की सबसे लंबी ट्रेन है, ठीक है, सुपर शेषनाग भारत की अब तक की सबसे लंबी ट्रेन है। देखिए, ध्यान समझिएगा, भारत की अब तक की सबसे लंबी ट्रेन, इसे चलाया गया साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन बिलासपुर के द्वारा, ठीक है, SECR, ठीक, SECR साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन, इसका मुख्यालय कहां है, बिलासपुर में, इसके द्वारा चलाया गया। ये जो आपका सुपर शेषनाग ट्रेन है ये कोरबा से नागपुर के मध्य चला। कारण क्या था, पावर सेक्टर को मानसून से पहले पर्याप्त कोयला पहुंचाना। ध्यान दीजिए, आप सभी को पता होगा अभी हाल ही में भारत के बहुत से राज्यों में ब्लैकआउट का कंडीशन आ गया, यानी कि लगभग कंप्लीटली आपका बिजली प्रॉपर सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं वो अपने राज्यों में। उसका मेन कारण क्या है, कोयले की कमी। तो सभी राज्यों में, आसपास के राज्यों में कोयले की आपूर्ति टाइम से हो जाए, इसीलिए एक बार में सबसे लंबी ट्रेन दौड़ाई गई मालगाड़ी, जिसका नाम दिया गया आपका सुपर शेषनाग। इसका ट्विटर पर एक वीडियो भी है, लगभग आपके 5 मिनट में एक प्लेटफॉर्म को पार करते हुए दिख रहा है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी लंबी ट्रेन होगी वो, ठीक है। जो ट्रेन है इसमें 4 मालगाड़ियों को एक साथ जोड़ा गया था, 4 मालगाड़ी का मतलब 60, 59, 58, ठीक है, यानी कि ये 4 मालगाड़ी जिसमें इतने वैगन थे उन्हें एक साथ जोड़ करके चलाया गया था, जिसमें टोटल 337 वैगन, 4 लोकोमोटिव इंजन व 4 गार्ड डिब्बे शामिल थे, ठीक। इसमें टोटल जो इसका कुल लोड था वो था 20,906 टन। इसे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा उनके ट्विटर हैंडल में भी इसे शेयर किया गया था, ठीक है, इस रिकॉर्ड को। ध्यान दीजिएगा, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन के नागपुर मंडल ने 4 खाली रेक के साथ 2.8 किलोमीटर लंबी व 251 वैगन वाली शेषनाग, ठीक है, ये क्या है, सुपर शेषनाग, यहां शेषनाग की बात हो रही है। शेषनाग का परिचालन आपके वर्ष 2020 में 2 जुलाई 2020 को किया था, लेकिन ये क्या है, ध्यान दीजिएगा, ये क्या था, ये खाली रेक था, उस समय लॉकडाउन था, कंप्लीट लॉकडाउन था, ठीक है, हर तरफ जो है आपका शटडाउन का कंडीशन था, कोई भी पब्लिक बाहर नहीं निकल रहा था। रेलवे ने क्या किया, खाली ट्रेन दौड़ा दिया पटरी में एक रिकॉर्ड बनाने के लिए। लेकिन इस बार इसने क्या किया है, आपके कोयले को भर करके कोरबा से लेकर के नागपुर तक ट्रेन चला है, जो कि भारत का अब तक का सबसे लंबा ट्रेन है सुपर शेषनाग, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 1,000 मीटर लंबी चुनरी का रिकॉर्ड। हाल ही में जो दंतेवाड़ा में मौजूद है, ठीक है, इसको हम पहले ही पढ़ चुके हैं, दंतेवाड़ा में एक फैक्ट्री मौजूद है जिसका नाम है डेनेक्स,
इसका पूरा नाम है डेनेक्स नवा गारमेंट फैक्ट्री। इसने हाल ही में 1000 मीटर, 1000 मीटर मतलब कि लगभग 11 किलोमीटर, 1000 मीटर चुनरी बनाने का रिकॉर्ड बनाया है। लगभग 300 महिलाओं के द्वारा 7 दिन लगातार इस चुनरी पर काम किया गया और इस चुनरी को बनाया गया। और ये जो आपका चुनरी इस लंबाई के साथ ये जो चुनरी है ये गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी अपना नाम दर्ज कर ली है। ठीक, इससे पहले ये जो आपका रिकॉर्ड है ये था आपका लगभग 8000 मीटर का, जो कि मध्य प्रदेश में नर्मदा माता को चढ़ाया गया था। ठीक है, नर्मदा मैया को चुनरी चढ़ाई गई थी जो कि थी आपके 8000 मीटर की। इस रिकॉर्ड को ब्रेक करके 11000 मीटर की चुनरी बनाई गई और इस चुनरी को चढ़ाया गया मां दंतेश्वरी को। ठीक है, दंतेवाड़ा में स्थित मां दंतेश्वरी को चढ़ाया गया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, 11000 मीटर लंबी चुनरी का गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है डेनेक्स नवा गारमेंट फैक्ट्री दंतेवाड़ा ने। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है भगिनी प्रसूति सहायता योजना। अब ये जो भगिनी प्रसूति सहायता योजना ये क्या है, देखिए पहली बात तो ये कि जो आपका भगिनी प्रसूति सहायता योजना है ये छत्तीसगढ़ श्रम विभाग के अंतर्गत संचालित एक योजना है। ठीक है, यानी कि इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी कौन होते हैं, इसमें महिला श्रमिक लाभार्थी होते हैं। ठीक, इसके बारे में डिटेल छत्तीसगढ़ इकोनॉमिक सर्वे में हम देखेंगे कि भगिनी प्रसूति सहायता योजना क्या है। इसमें गर्भवती महिला जो कि श्रमिक है, ध्यान दीजिएगा, गर्भवती महिला जो कि श्रमिक है, इसमें कुछ इसमें भी पंजीकरण होता है, पंजीकृत महिला श्रमिक, उन्हें जो है आपकी सहायता राशि 20,000 रुपए प्रदान की जाती है। पहले जो सहायता राशि थी ये थी 10,000 रुपए, अभी कुछ महीने पहले ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा इस 10,000 रुपए की राशि को बढ़ाकर कर दिया गया है आपका 20,000 रुपए। ठीक है, गर्भवती महिला श्रमिक, और हाल ही में इसका नाम परिवर्तित करके रख दिया गया है मिनी माता महतारी जतन योजना। भगिनी प्रसूति सहायता योजना का नाम परिवर्तित करके क्या रख दिया गया है, मिनी माता महतारी जतन योजना। तो ध्यान दीजिएगा, जो भगिनी प्रसूति सहायता योजना है इसका नया नाम क्या है, मिनी माता महतारी जतन योजना। और इसके अंतर्गत कितनी सहायता राशि दी जाती है, 10,000 से बढ़ा करके अब दी जाती है आपकी 20,000 रुपए। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके राज्यसभा में होंगे, मतलब राज्यसभा के सांसद, ध्यान समझिएगा, हमारे प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या है आपकी 5। ठीक है, इस 5 में से 3 आपके कांग्रेस के पास है, 2 आपके बीजेपी के पास है। तो हाल ही में राज्यसभा सीट के लिए 2 नए उम्मीदवार आए हैं। कौन है, एक है आपके राजीव शुक्ला और दूसरी है आपकी रंजीत रंजन। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों के दोनों छत्तीसगढ़ के निवासी है ही नहीं, राजीव शुक्ला जो कि दिल्ली से है और आपके रंजीत रंजन जो कि बिहार की है। ठीक है, बिहार की है, तो ये हमारे छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र से आपके राज्यसभा के उम्मीदवार के रूप में खड़े होने वाले हैं। ठीक, वैसे तो इनका जितना तय है, छत्तीसगढ़ में बहुमत है और इसके लिए काफी विरोध भी हो रहा है। क्यों, क्योंकि छत्तीसगढ़ में बाहर से आउटसोर्सिंग करके कोई राजनेता आ रहा है, विरोध करने से कोई मतलब नहीं, ये राजनीति है, ये ऐसा नहीं कि केवल हमारे छत्तीसगढ़ में ही होता है। राज्यसभा में अपने बहुमत को बनाए रखने के लिए राजनीतिक पार्टियां ऐसी करती है। ठीक है, जहां से उनको पता है कि उनका उम्मीदवार जीत सकता है, जैसे छत्तीसगढ़ में यहां पर सर्वाधिक आपका बहुमत है कांग्रेस पार्टी के पास, तो यहां पर सर्वाधिक वोट इन्हीं के कैंडिडेट को पड़ेंगे। तो उनको पता है कि जिस व्यक्ति को राज्यसभा में पहुंचाना चाहते हैं वो केवल छत्तीसगढ़ में ही पॉसिबल हो सकता है, इसलिए यहां से वे अपने कैंडिडेट को खड़ा कर रहे हैं। ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि छत्तीसगढ़ में अगर 5 राज्यसभा सीट है तो इसके लिए छत्तीसगढ़ का निवासी होना जरूरी है, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए विरोध करने से कोई मतलब नहीं। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ का पहला किसान स्कूल ये कहां खोला गया है, ये खोला गया है आपके जांजगीर चांपा में। जांजगीर चांपा के ग्राम बेहराडीह में छत्तीसगढ़ का पहला किसान स्कूल खोला गया है। ठीक है, चांपा के अंतर्गत आएगा ये ग्राम बेहराडीह। ये जो आपका किसान स्कूल है ये प्रयास है आपके नवाचारी किसान दीनदयाल यादव जी के द्वारा। ध्यान दीजिएगा, इस किसान स्कूल में कोई भी शैक्षणिक योग्यता रिक्वायर्ड नहीं है, इसमें आप इसके इस स्कूल के अंतर्गत अंगूठा छाप से लेकर के डिग्रीधारी भी पढ़ाई कर सकते हैं। इसमें कुल 18 विषयों की पढ़ाई कराई जाएगी। यहां पर जो है यह किसान स्कूल छत्तीसगढ़ के साथ साथ देश का पहला किसान स्कूल है जहां किसान पढ़ाई करेंगे। ठीक है, जैसे कि इसमें जो है आपके उद्यानिकी फसलों से संबंधित, मत्स्य पालन से संबंधित, लाख की खेती से संबंधित, डेयरी उद्योग से संबंधित सारी पढ़ाई कराई जाएगी आपके इस किसान स्कूल में। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, प्रदेश का पहला किसान स्कूल, ये प्रश्न बन सकता है, प्रदेश का पहला किसान स्कूल किस जिले में है, जांजगीर चांपा में, कहां पर, चांपा में, चांपा के कहां पर, बेहराडीह में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है सीतामणि हार चौका। ध्यान दीजिएगा,
हाल ही में ये सीतामणि हर चौका फिर चर्चा में रहा, इसके भी विकास के लिए प्रदेश सरकार जो है अब प्रयास कर रही है। सीतामणि हर चौका जो कि मौजूद है आपके जनकपुर भरतपुर विकास खंड के अंतर्गत, ये पहले कोरिया में था, अब ये आपका आ गया है मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर के अंतर्गत, यानी कि नया जिला मनेंद्रगढ़, ठीक है, मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, इसके अंतर्गत आता है ये सीतामणि हर चौका। ये जो सीतामणि हर चौका है ये आपके मवाई नदी के किनारे मौजूद है सीतामणि हर चौका। ध्यान दीजिएगा, गुफाओं को काट करके यहां पर 17 कक्ष बनाए गए हैं जिसमें 12 कक्षों में शिवलिंग है और इसे ही कहा जाता है हर चौका। हर चौका का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आपका रसोई घर, ठीक है, रसोई घर यानी कि किचन। इसे सीता माता की रसोई कहा जाता है, सीता माता की रसोई। देखिए, भगवान श्री राम अपने वनवास काल के दौरान हमारे इस छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र से होकर गुजरे थे। जब वे छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र से होकर गुजरे, जब उन्होंने छत्तीसगढ़ में प्रवेश किया तो उनका पहला पड़ाव यही था, ठीक है, कोरिया जिले में पड़ रहा है, यानी कि मनेंद्रगढ़ में, मनेंद्रगढ़ जो नया जिला बन रहा है उसमें उसके अंतर्गत आ रहा है, तो उसी जगह से प्रवेश किए थे। और ये जगह कहां पर है? मवई नदी के तट पर, ठीक है, ये नदी का नाम याद रखिएगा। और इस स्थान को कहा जाता है आपका सीता माता का रसोई घर। इसी के समीप, इस सीतामणि हर चौका के समीप मौजूद है एक झरना, सीतामणि झरना। ऐसा किंवदंती प्रचलित है कि उस सीतामणि झरने के नीचे स्नान करके माता सीता ये रसोई का कार्य किया करती थी। अब इसके विकास के लिए ये देखिए, ये गुफाओं को काट करके यहां पर आपके कक्ष बने हुए हैं और 17 कक्ष में से 12 कक्ष में शिवलिंग है और इसे ही कहा जाता है आपके सीता माता की रसोई, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सीतामणि हर चौका कहां पर है? अब ये नए जिले के अंतर्गत आ जाएगा, पहले कोरिया में था, अभी मनेंद्रगढ़ के अंतर्गत आएगा, मवई नदी के किनारे मौजूद है आपका सीतामणि हर चौका, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है प्रदेश का पहला मिलेट कैफे। अब देखिए, मिलेट्स का मतलब क्या होता है? मिलेट्स का मतलब होता है आपके मोटे अनाज, ठीक है, मोटे अनाज। मोटे अनाज का मतलब जैसे कि आपका हो गया कोदो, कुटकी, रागी, ये सभी के सभी आपके मोटे मिनाज यानी कि अनाज यानी कि मिलेट्स के अंतर्गत आते हैं। देखिए, हाल ही में प्रदेश का पहला मिलेट्स कैफे ये खोला गया है आपके रायगढ़ जिले में। यहां पर देखिए, मिलेट्स कैफे, कैफे का मतलब क्या होता है? जहां पे खाने पीने की सामग्री मिलती है, ठीक है, कैफे, कैफेटेरिया। यहां पर जो है, ये जो आपका कैफे खोला गया है, देखिए ये है आपका मिलेट्स कैफे। यहां पर जो भी पकवान बनेंगे वो मिलेट्स यानी कि मोटे अनाज जैसे कि रागी, कोदो, कुटकी जैसे अनाजों से मिलने वाले लजीज पकवान यहां पर आपके उपलब्ध होंगे कैफे में। जैसे कि रागी से बना हुआ पास्ता, चीला, इडली, मंचूरियन, पिज्जा, नूडल्स, पकोड़े, समोसे, डोसा, कोदो से बनी हुई बिरयानी के साथ साथ सैंडविच, स्नैक्स, बर्गर का स्वाद लेने का अवसर मिलेगा। यानी कि यहां पर जो भी आपका प्रोडक्ट बनेगा वो मिलेट्स के अंतर्गत आने वाले जो कृषि उपज है उससे बनेगा, ठीक है। तो प्रदेश का पहला मिलेट्स कैफे किस जिले में खोला गया? रायगढ़ जिले में खोला गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है ज्ञानेश्वरी यादव, इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इनका इनसे रिलेटेड क्वेश्चन व्यापम के एग्जाम में तो जरूर पूछ सकता है। यह है आपकी ज्ञानेश्वरी यादव। देखिए, ज्ञानेश्वरी यादव ये कौन है? ये है आपकी वेट लिफ्टर, ये राजनांदगांव जिले की रहने वाली है। हाल ही में चर्चा में क्यों रही? ये IWF जूनियर वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप जो कि ग्रीस में आयोजित हुआ, उसमें इन्होंने 3 रजत पदक जीता। महत्वपूर्ण बात क्या है कि जो ज्ञानेश्वरी है ये प्रदेश की पहली महिला वेट लिफ्टर है जिसने विदेश की धरती पर जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता है, ठीक है, प्रदेश की पहली महिला वेट लिफ्टर, ठीक। ध्यान दीजिए, इन्होंने 49 किलो वर्ग में वर्ग के स्नैच, क्लीन और जर्क स्पर्धा, ये स्पर्धा होती है वेटलिफ्टिंग की अलग अलग, में इसने इन्होंने रजत पदक जीता। इन्होंने 156 किलोग्राम का वजन उठाया। ध्यान दीजिएगा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा इस ज्ञानेश्वरी यादव को छत्तीसगढ़ पुलिस में सहायक उपनिरीक्षक यानी कि ASI नियुक्त किए जाने की घोषणा की है, ठीक है, इस पद पर नियुक्त किए जाने का घोषणा किया है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने। तो इनका नाम थोड़ा याद रखिएगा, इनसे प्रश्न बन सकता है कि ज्ञानेश्वरी यादव का संबंध किससे है। ज्ञानेश्वरी यादव जो है ये आपकी प्रदेश की महिला वेट लिफ्टर है, ठीक है, भार उठाती है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका कृष्ण कुंज। हमारे प्रदेश सरकार जो है आपके राम वनगमन पथ का विकास कर रही है, ठीक है, राम वन गमन पथ। इस राम वन गमन पथ के अंतर्गत टोटल 9 स्थानों का चयन हुआ है। राम वन गमन पथ जो कि भगवान श्री राम से संबंधित है, ठीक है, भगवान श्री राम। तो अब जो है हमारी प्रदेश सरकार अब भगवान कृष्ण से संबंधित जो है एक कृष्ण कुंज विकास कर रही है, ठीक है। जैसे कि भगवान श्री राम से संबंधित आपकी योजना तो चल रही है राम वनगमन पथ, अब भगवान कृष्ण से संबंधित
कृष्ण कुंज बनाए जा रहे हैं हमारे छत्तीसगढ़ में। देखिए ये जो आपका कृष्ण कुंज है इसकी शुरुआत आगामी कृष्ण जन्माष्टमी से होगी। कृष्ण जन्माष्टमी जो कि इस बार जो है लगभग अगस्त के महीने के आसपास पड़ेगा, तो आगामी कृष्ण जन्माष्टमी से ये कृष्ण कुंज प्रारंभ होगा। इस ये जो आपके इस कृष्ण कुंज के अंतर्गत धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व के जीवन उपयोगी पौधों का रोपण किया जाएगा। ठीक है, ऐसे पौधे या ऐसे वृक्ष जो कि धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व के हैं, जैसे कि हमारे यहां जो है बरगद की पूजा की जाती है, पीपल की पूजा की जाती है, कदम की पूजा की जाती है, नीम का अपना विशेष महत्व है। ठीक है, तो ये जो है ये आपके धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व के पौधे हैं। साथ साथ ये ऐसे आपके वृक्ष है जो सर्वाधिक ऑक्सीजन देते हैं। ठीक है, सर्वाधिक ऑक्सीजन देते हैं, तो ऐसे वृक्ष को जो है उनका रोपण किया जाएगा। ठीक, सभी नगरीय निकाय क्षेत्रों में ये जो आपका योजना है, यानी कि जो कृष्ण कुंज है इसका विस्तार प्रदेश के सभी नगरीय निकाय क्षेत्रों में होगा। ठीक है, यहां पे जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नगरीय क्षेत्रों में कृष्ण कुंज के लिए न्यूनतम 1 एकड़ की शासकीय भूमि का आवंटन तत्काल वन विभाग को करने का निर्देश दिया है। यानी कि हर नगरीय क्षेत्र के कलेक्टर को आदेश दिया गया है कि वो उस नगरीय क्षेत्र में, यानी कि वन विभाग को और कलेक्टर को निर्देशित किया है कि वो अपने नगरीय क्षेत्र में 1 एकड़ की शासकीय भूमि का आवंटन करे इस कृष्ण कुंज के लिए, और उस 1 एकड़ के क्षेत्र में धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व के जीवकोपयोगी पौधों का रोपण किया जाएगा, जैसे कि बरगद हो गया, पीपल हो गया, नीम हो गया, कदम हो गया, ये सारे वृक्षों का रोपण किया जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, अगर कृष्ण कुंज जिसकी शुरुआत की जाएगी आने वाले कृष्ण जन्माष्टमी से। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका गाता पाखना प्रथा। गाता पाखना प्रथा यह हाल ही में चर्चा में आया, गाता पाखना प्रथा या इसे ही गायता पाखना कहा जाता है। ये जो आपका इस प्रथा है, इस प्रथा का प्रचलन मुख्यतः अबुझमाड़िया जनजाति में है। आज के डेट में मुड़िया जनजाति भी इस प्रथा का जो है इस प्रथा को मानती है। ध्यान दीजिएगा, ये प्रथा क्या है, लगभग 15 से 20 वर्षों में एक बार पूर्वजों की याद में स्मृति चिन्ह के तौर पर गायता या गाता पत्थर स्थापित किया जाता है, यानी कि एक प्रकार का मृतक स्तंभ है। एक दिन 15 से 20 वर्ष के बीच में एक समय निर्धारित किया जाता है और इस दिन अपने पूर्वजों को याद किया जाता है। ठीक है, 15 से 20 साल का समय काफी लंबा होता है। इस टाइम पीरियड में क्या होता है कि जो आपके पत्थर लगाए जाते हैं वो काफी आपके डैमेज रहते हैं। ठीक है, तो इन्हें चेंज किया जाता है, यानी कि यहां पर जो है उनके स्मृति में नया पत्थर लगाया जाता है। ठीक, देखिए विशेष बात क्या है, यदि मृतक अगर कोई पटेल है या कोई गायता है, गायता, तो उसके मठ पर प्रतीक स्वरूप मूर्ति बनाई जाती है। यानी कि कोई अच्छा प्रतिष्ठित व्यक्ति है, कोई आपका गौठिया हो गया, कोई पटेल हो गया, तो उनके जो आपकी जगह है, उनके जो जहां पर उन्हें गड़ाया गया, दफनाया गया है, वहां पर कोई मूर्ति बना दिया जाएगा, मूर्ति बना के खड़ा कर दिया जाएगा। और वहीं पर अगर सिरहा है, यानी कि पूजा पाठ करने वाला कोई व्यक्ति है, सिरहा होने पर देवता की सवारी आने के समय पहनने वाले कपड़े से मृतक स्तंभ या मृत्यु स्तंभ को सजाया जाता है, यानी कि पुजारी वाले कपड़े से मृत्यु स्तंभ को सजाया जाता है। तो गायता प्रथा क्या है, यह एक प्रकार से मृतक स्तंभ स्थापित करने की प्रथा है, जिसका मुख्यतः प्रचलन कहां पर है, आपके अबुझमाड़िया जनजाति में है। ठीक है, आज के दिन में मुड़िया जनजाति भी इसे अपना रही है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका अमृत सरोवर। अमृत सरोवर हमारी केंद्र सरकार यानी कि भारत सरकार के द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के तहत इस अमृत सरोवर को जो है, इस अमृत सरोवर की शुरुआत की गई है। अमृत सरोवर क्या है, हर जिले में 75 अमृत सरोवर का निर्माण किया जाएगा। देखिए, इस जो आपका अमृत सरोवर है, इसका कार्य योजना छत्तीसगढ़ पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा किया जा रहा है। इस अमृत सरोवर के अंतर्गत हमारे छत्तीसगढ़ में लगभग 2100 अमृत सरोवर बनाए जाएंगे। अमृत सरोवर का मतलब तालाब, ठीक है, तालाबों का निर्माण किया जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, इसमें जो आपका व्यय होगा उसका वहन पंचायत की स्थानीय निधि एवं खनिज निधि का मतलब वही आपका डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड, ठीक, DMF, पंचायत की स्थानीय निधि एवं खनिज निधि से इसके व्यय का वहन किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इसके तहत हजारों मनरेगा मजदूरों को काम मिलेगा। देखिए, हमारे प्रदेश में जो है आपके मनरेगा के तहत जो है गांव के जो अकुशल श्रमिक होते हैं उन्हें कार्य दिया जाता है। अब यहां पर क्या बनाया जा रहा है, अमृत सरोवर यानी कि तालाबों का निर्माण किया जा रहा है। तालाबों के निर्माण के लिए किसकी आवश्यकता होगी, श्रमिकों की आवश्यकता होगी। तो टारगेट भी पूरा करना है कि हर जिले में 75 आपके सरोवर बनाए जाए, और 75 सरोवर बनाने के लिए मजदूर भी किससे मिल रहे हैं, मनरेगा के तहत मिल रहे हैं।
ठीक है। तो यह है अमृत सरोवर, जिसमें हर जिले में 75 अमृत सरोवर बनाए जाएंगे। हमारे प्रदेश में कुल 2100 अमृत सरोवर बनाए जाने का लक्ष्य है, जिसका व्यय का वहन पंचायत की स्थानीय निधि एवं खनिज निधि से किया जाएगा। इसके तहत हजारों मनरेगा मजदूरों को काम मिलेगा। यह है आपका अमृत सरोवर योजना 2022। नेक्स्ट देखिए, गोल्डन आइलैंड सर्किट। हाल ही में प्रदेश सरकार जो है गोल्डन आइलैंड सर्किट के विकास पर जोर दे रही है। अब ये गोल्डन आइलैंड सर्किट है क्या? ये गोल्डन आइलैंड सर्किट ये बनाया जा रहा है आपके कोरबा जिले में। ये जो गोल्डन आइलैंड सर्किट है, इसके अंतर्गत हसदेव नदी पर जो बांगो बांध है, जो हसदेव बांगो बांध बनाया गया है, उसका जो कैचमेंट एरिया है, कैचमेंट एरिया का मतलब जल ग्रहण क्षेत्र है, जितने एरिया में उसका जल भराव क्षेत्र है उसे कहा जा रहा है, ठीक है, जल भराव क्षेत्र, उसमें विकसित किया जाएगा आपका गोल्डन आइलैंड सर्किट। इसमें लगभग आसपास की यानी कि हसदेव बांगो डैम के कैचमेंट एरिया के अंतर्गत आने वाले लगभग 20 टापुओं को लेकर के गोल्डन आइलैंड सर्किट का विकास किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इसके अंतर्गत ये जो 20 टापू है उसमें से प्रमुख टापू है आपके सतरेंगा, जिसके नाम से आप परिचित है, बुका जिसे छत्तीसगढ़ का मॉरिशस भी कहा जाता है, और एक है आपका गोल्डन आइलैंड, ठीक है। गोल्डन आइलैंड, गोल्डन आइलैंड सर्किट तो बन रहा है लेकिन एक टापू का भी नाम है आपका गोल्डन आइलैंड। ये इस 20 टापुओं में से कुछ प्रमुख टापू है जो इस सर्किट में शामिल होंगे, ठीक है। छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल इसी 20 किलोमीटर के इलाके में, यानी कि हसदेव नदी पर जो हसदेव बांगो डैम है, जो उसका जल भराव एरिया है, उसमें 20 किलोमीटर के इलाके में गोल्डन आइलैंड सर्किट के तौर पर डेवलप करने की तैयारी कर रही है, ठीक है। तो गोल्डन आइलैंड सर्किट किस जिले से संबंधित है? कोरबा जिले से संबंधित है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है रैली कोसा की खरीदी समर्थन मूल्य पर। हमारी प्रदेश सरकार जो है आपकी रैली कोसा की खरीदी अब MSP यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर करेगी। इसकी खरीदी किसके द्वारा की जाएगी? इसकी खरीदी की जाएगी छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ के द्वारा। ध्यान दीजिएगा, इससे संबंधित एक अधिसूचना छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ के द्वारा 9 मई 2022 को एक अधिसूचना भी जारी किया गया है कि इस जो आपके रैली कोसा है, इसका किस मूल्य पर खरीदी किया जाएगा इस चालू वित्तीय वर्ष पर, वो इस अधिसूचना में बताया गया है, ठीक है। मूल्य बहुत सारे हैं, मूल्य हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ध्यान रखिएगा। रैली कोसा का उत्पादन हमारे छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक होता है आपके बस्तर संभाग में। बस्तर संभाग के अंतर्गत 7 जिले आते हैं, कौन कौन से? कांकेर हो गया, कोंडागांव हो गया, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, ये सभी के सभी आपके 7 जिले जो बस्तर संभाग में है, और यहीं पर आपके रैली कोसा की पैदावार सर्वाधिक है, ठीक। तो ये जो आपका रैली कोसा की खरीदी इसी बस्तर संभाग में ही किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा विगत दिवस चालू वित्तीय वर्ष के बजट भाषण में, जो इस साल जो बजट पेश किया गया, उसमें बस्तर में रेशम मिशन शुरू किए जाने की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री रेशम मिशन शुरू किए जाने की घोषणा इस साल के बजट में की थी, और ये जो आपका रेशम मिशन है वो भी इस बस्तर संभाग से शुरू होगा, ये घोषणा किया था उन्होंने अपने बजटीय भाषण में, ठीक है। छत्तीसगढ़ में 8 से 10 करोड़ रैली कोसा कोकून प्रतिवर्ष यानी कि इसका वार्षिक उत्पादन होता है, ठीक। रेशम विभाग के द्वारा बस्तर संभाग में 740 हितग्राहियों का चयन करके उन्हें रेशम धागाकरण प्रशिक्षण देना भी शुरू कर दिया गया है, यानी कि जो रेशम बनेगा अब उस रेशम को धागा में बदला जाएगा, तो उसके लिए 740 हितग्राहियों का चयन करके उन्हें प्रशिक्षित भी किया जा चुका है। तो यह है रैली कोसा की खरीदी समर्थन मूल्य पर, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है प्रोफेसर बलदेव भाई शर्मा। हाल ही में चर्चा में क्यों रहे? ये जो आपके प्रोफेसर बलदेव भाई शर्मा है, ये कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय के नए कुलपति इन्हें नियुक्त किया गया है, ठीक है। कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय हमारे प्रदेश का एकमात्र पत्रकारिता विश्वविद्यालय है, कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय, जिसके नए कुलपति है आपके प्रोफेसर बलदेव भाई शर्मा। देखिए, ये जो बलदेव भाई शर्मा है, ये संपादक रह चुके हैं दैनिक भास्कर, अमर उजाला, स्वदेश, पंचजन्य, नेशनल दुनिया आदि समाचार पत्रों के संपादक रह चुके हैं। इनकी कुछ पुस्तकें हैं जैसे कि मेरे सपनों का, मेरे समय का भारत, आध्यात्मिक चेतना और सुगंधित जीवन, संपादकीय विमर्श, अखबार और विचार, हमारे सुदर्शन जी और सहजता की भव्यता, ये इनके द्वारा लिखी गई कुछ पुस्तकें हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ इस कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कुलपति बनने से पहले ये हिमाचल प्रदेश के केंद्रीय विश्वविद्यालय जो कि धर्मशाला में है, वहां के प्रोफेसर थे आपके बलदेव भाई शर्मा जी। इनका नाम याद रखिएगा, कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय के ये क्या है? नए कुलपति है। नेक्स्ट है मिस टैलेंटेड इंडिया। हाल ही में जो है आपके इंटरनेशनल बिजनेस आइकन अवार्ड 2022 आयोजित हुआ, जिसमें मिस टैलेंटेड इंडिया का टाइटल जीता महिमा सोनी, या इन्हीं का नाम है आपका माही सोनी। ये विश्रामपुरी बड़े राजपुर ब्लॉक कोंडागांव जिले की है आपकी
माही सोनी या महिमा सोनी। बस नाम याद रखिएगा कि मिस टैलेंटेड इंडिया का खिताब किसने जीता, हमारे प्रदेश की कोंडागांव जिले की महिमा सोनी या माही सोनी ने। ठीक, नेक्स्ट देखिए, हरियाली प्रसार योजना हाल ही में जो है आपके वित्तीय, देखिए ये जो आपका हरियाली प्रसार योजना है इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 2005-06 से। ठीक है, 2005 वित्तीय वर्ष 2005-06 से इस हरियाली प्रसार योजना की शुरुआत हुई थी। इसका संचालन किया जाता है वन्य एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा। ठीक, इसका उद्देश्य क्या है, कृषि वानिकी को प्रोत्साहित करना एवं लकड़ी उत्पादन में वृद्धि करना इस हरियाली प्रसार योजना का मुख्य उद्देश्य है। इस योजना के अंतर्गत लघु कृषकों को उनकी परती भूमि में इच्छित प्रजाति के 50 से अधिकतम 5000 पौधे प्रति कृषक को हस्तांतरित करना, यानी कि 50 से 5000 के आसपास पौधे किसानों को देना। विशेष बात क्या है कि इस हरियाली प्रसार योजना के अंतर्गत 3 वर्षों में, यह आंकड़ा इंपॉर्टेंट याद रखेगा, विगत 3 वर्षों में 2019, 20 और 21, इन 3 वर्षों में आपका 83,31,000 पौधों का रोपण किया गया है इस हरियाली प्रसार योजना के अंतर्गत। हमारे लिए जो है इस बार जो न्यूज में आया वो ये था, ठीक है, आपके ये जो छत्तीसगढ़ के वन विभाग के द्वारा बताया गया कि हरियाली प्रसार योजना के अंतर्गत पिछले 3 सालों में 83,31,000 पौधों का रोपण किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, इसे नोट करना है। बाकी इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 2005-06 से। नेक्स्ट देखिए, बाबा रुखड़नाथ समाधि स्थल, जो बाबा रुखड़नाथ समाधि स्थल है एक न्यूज है, बस थोड़ा सा याद रखिएगा कि बाबा रुखड़नाथ का समाधि स्थल कहाँ है, ये मौजूद है दुर्ग जिले के कुम्हारी के अंतर्गत आता है नारधा ग्राम। रुखड़नाथ जो कि एक नागा साधु थे, आज से लगभग 300 से 350 साल पहले वो इस आपके नारधा ग्राम क्षेत्र में आए थे। उन्होंने जो है आपके सुरही गाय के गोबर से हनुमान जी की एक प्रतिमा यहां पर स्थापित की थी। ठीक है, यहाँ पर जो है ये जो आपके रुखड़नाथ है ये एक नागा साधु थे, इन्होंने सुरही गाय की गैया के गोबर से उन्होंने एक हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित की थी जिसकी काफ़ी मान्यता है। मान्यता ऐसा है कि यहाँ पर जो है नव दंपत्ति अपने जीवन में सुख शांति समृद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं, यानी कि इस गांव और इस गांव के आसपास के क्षेत्रों में कोई भी अगर नया विवाह होता है तो वो दंपत्ति सबसे पहले आकर के इस हनुमान मंदिर में माथा टेकते हैं और उसके बाद ही डोली घर में उतरती है। ठीक है, तो इनका बस नाम याद रखिएगा, कभी भी प्रश्न बन सकता है बाबा रुखड़नाथ समाधि स्थल, आज के डेट में नए नए प्रश्न बन रहे हैं पीएससी और व्यापम में, तो थोड़ा सा याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता संशोधन विधेयक 2022। हाल ही में छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता संशोधन विधेयक लाया गया था, इस पर प्रदेश की राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके जी ने 26 अप्रैल 2022 को इसमें हस्ताक्षर किया। देखिए ये पीएससी और व्यापम का तो प्रश्न नहीं बनेगा, लेकिन आपको याद होगा पहले एक एग्जाम आया था सीएमओ जिसमें छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता उसका सिलेबस में था। ठीक है, तो थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, याद रखिएगा थोड़ा। ठीक है, ये जो आपका छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता है इसमें मूल अधिनियम की 12 धाराओं, 7 अध्याय की 48 धाराओं व 14 अध्याय की 16 धाराओं में संशोधन किया गया है। जो अभी संशोधन विधेयक आया 2022 में उसमें जो मूल अधिनियम है उसकी 12 धाराओं में, अध्याय 7 की 48 धाराओं में और अध्याय 14 की 16 धाराओं में संशोधन किया गया है। ध्यान दीजिएगा इसमें महत्वपूर्ण क्या है कि धारा 50 की उपधारा 1 में, ठीक देखिए, इसमें जो बंदोबस्त आयुक्त है, बंदोबस्त आयुक्त के स्थान पर अब इसे कहा जाएगा आयुक्त भू अभिलेख। ठीक, बंदोबस्त आयुक्त के स्थान पर अब उसका बंदोबस्त आयुक्त का नाम परिवर्तित करके रख दिया गया है, आयुक्त भू अभिलेख प्रतिस्थापित किया गया है। वैसे ही जो बंदोबस्त अधिकारी था उसके नाम के स्थान पर अब उसका नाम परिवर्तित करके रख दिया गया है, जिला सर्वेक्षण अधिकारी। ठीक है, वैसे ही मूल अधिनियम के अध्याय 7 का जो शीर्षक क्या था, नगरेतर क्षेत्रों में राजस्व सर्वेक्षण तथा बंदोबस्त, उसके स्थान पर इसे हटा करके अब लिख दिया गया है भू सर्वेक्षण तथा भू राजस्व निर्धारण शब्द से इसे प्रतिस्थापित किया गया है। ठीक है, संशोधित विधेयक में नवीन धारा 178 ख का अंत स्थापन किया गया है। ये थोड़ा सा आप लोग के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो पटवारी का एग्जाम देते हैं उसके बाद जो उसमें जो इंटरनल एग्जाम होते हैं उसमें यह चीज काम आएगा। ठीक है, इसके अनुसार तहसीलदार खाता विभाजन हेतु प्राप्त आवेदन को सर्वप्रथम
ई स्थानांतरण पोर्टल में प्रविष्ट हितबद्ध पक्षकारों को सूचना करेगा। इसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है, थोड़ा सा वीडियो पॉज करके इसे पढ़ लीजिएगा, काफी डिटेल में है। लेकिन इसमें याद रखिएगा कि जो बंदोबस्त आयुक्त है अब वो आयुक्त भूल अभिलेख कहलाएगा, बंदोबस्त अधिकारी जिला सर्वेक्षण अधिकारी कहलाएगा, नगरेतर क्षेत्र राजस्व सर्वेक्षण तथा बंदोबस्त के स्थान पर भू सर्वेक्षण एवं भू राजस्व निर्धारण, ये शब्द से इसे प्रतिस्थापित किया गया है। नेक्स्ट देखिए, अब सिंगल कुछ वन लाइनर है, इसे समझते हुए चलिएगा। सबसे पहले नंबर पर है आपका पागर नदी। पागर नदी का प्रवाहित प्रवाहन क्षेत्र कहां पर है पूछा जाए तो बलरामपुर जिले में। ये न्यूज में आया था, यहां पर जो है रेत का अवैध उत्खनन हो रहा है, ऐसे टाइप के थोड़े से न्यूज आए थे, लेकिन वो न्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि पागर नदी किस जिले प्रवाहित होती है। पागर नदी प्रवाहित होती है आपके बलरामपुर जिले में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका 3 मई 2022। 3 मई 2022 को मनाया गया आपका अक्ति तिहार, और अक्ति तिहार के साथ साथ मनाया गया था आपका माटी पूजन दिवस। देखिए, वैशाख शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाया जाता है आपका अक्षय तृतीया, ठीक है, वैशाख शुक्ल पक्ष तृतीया, शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाते हैं अक्षय तृतीया। तो अक्षय तृतीया के साथ साथ इस बार जो है आपके माटी पूजन दिवस भी मनाया गया था। नेक्स्ट देखिए, पक्षी जागरूकता एवं प्रशिक्षण केंद्र, ये स्थापित किया जा रहा है या विकसित किया जा रहा है आपके गिधवा बेमेतरा में। आपको याद होगा ये आपके गिधवा में ही प्रदेश का पहला पक्षी महोत्सव भी आयोजित हुआ था, उसी स्थान पर पक्षी जागरूकता एवं प्रशिक्षण केंद्र विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट है गोंडवाना मेरीन फॉसिल पार्क, ठीक है, ये भी चर्चा में रहा। जो आपका गोंडवाना मेरीन फॉसिल पार्क है, ये हसदेव नदी के तट पर आपका प्रदेश का सबसे जो प्रदेश का एकमात्र आपका मैरीन फॉसिल पार्क है, यानी कि यहां पे समुद्री जीवाश्म के साक्ष्य है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है जशपुर की जीवनदायिनी नदी जिसका नाम है बांकी नदी, ये भी हाल ही में काफी चर्चा में रहा, ठीक है, कि ये बांकी नदी किस जिले में प्रवाहित होती है। ये जशपुर जिले के जशपुर नगर में प्रवाहित होती है, जशपुर नगर की जीवनदायिनी नदी कहा जाता है। एक्चुअली में चर्चा में क्यों रहा कि इसका जो उद्गम स्थल है ये है आपका सीटोंगा में, तो जहां से नदी का उद्गम होता है वहां पे नदी पहले काफी चौड़ी थी, लेकिन आसपास के क्षेत्र के जो आपके जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने कर दिया अतिक्रमण, अपने खेत के क्षेत्रों का विस्तार कर दिया। अब जिस जगह से नदी काफी चौड़ी होकर के बह रही थी अपने उद्गम स्थान पे, वहां पे मात्र 1 मीटर लंबी रह गई है आपकी ये नदी, ठीक है, काफी सक्रिय होकर के बह रही है। तो अब प्रशासन का थोड़ा सा होश में आई है, अब जो अतिक्रमण है उसे हटा करके जहां से इसका उद्गम हो रहा है बांकी नदी का, उसका विस्तार कर रही है, ठीक है। लगभग उद्गम स्थल पर ही समाप्त होने के कगार पे आ गई थी ये बांकी नदी, ठीक है। तो बांकी नदी किस जिले में प्रवाहित होती है, जशपुर जिले में, काफी चर्चा में रहा, लगभग 5-6 रोज से न्यूज में आया था, तो थोड़ा सा इसको पढ़िएगा। अर्पा नदी का उद्गम स्थल आप सभी पढ़ते आ रहे हैं कि अर्पा नदी का उद्गम स्थल पेंड्रा लोरमी का पठार अमरपुर में है, ठीक है, लेकिन अभी नया दावा किया जा रहा है कि इसका जो उद्गम स्थल है यह है आपके खोंडरी में, ठीक है, थोड़ी सी दूरी पर मौजूद है, खोंडरी में उद्गम स्थल है आपके अर्पा नदी का, ठीक। तो इसको भी थोड़ा सा हाईलाइट में रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, आलू एवं टाऊ फूड प्रोसेसिंग यूनिट, आलू एवं टाऊ से बनने वाले जो फूड प्रोडक्ट है उसका एक प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित किया जाएगा बलरामपुर जिले के कुसमी में, ठीक है। केवल याद रखिएगा, आलू टाऊ फूड प्रोसेसिंग यूनिट कहां स्थापित किया जाएगा, बलरामपुर जिले के कुसमी तहसील के अंतर्गत। छिंद पत्ते से बने हुए पंखे को देखिए, हाल ही में जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी जगह जगह पे जाकर के लोगों के बीच में जाकर के भेंट कर रहे हैं, तो वहां पर उन्हें किसी व्यक्ति ने एक भेंट दिया था, छिंद पत्ते से बना हुआ हाथ पंखा, ठीक है, पहले के समय में यूज में आता था आपका हाथ पंखा, जिसे क्या कहा जाता है, बेनवा कहा जाता है, ठीक है, नाम याद रखिएगा, बेनवा क्या है, छिंद पत्ते से बना हुआ हाथ पंखा, जिसे बेनवा कहते हैं। नेक्स्ट, अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा घोषणा किया गया है कि अंबिकापुर का जो मेडिकल कॉलेज है उसका नाम परिवर्तित करके राजमोहिनी देवी मेडिकल कॉलेज रखा जाएगा। उद्योग रत्न अवार्ड, उद्योग रत्न अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है हमारे छत्तीसगढ़ के SECL यानी कि साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के जो CMD है डॉक्टर प्रेम सागर मिश्रा, उन्हें उद्योग रत्न अवार्ड 2022 सम्मानित किया गया। एक सिंगल वन लाइनर है, याद करते हुए चलिए। दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड, महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में, महिला को न्याय दिलाने के क्षेत्र में जो है हमारे प्रदेश की जो छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की जो वर्तमान अध्यक्ष है आपकी किरणमयी नायक, उन्हें दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है आपका सर्वोदय आदिनाथ जैन मंदिर, ये बन रहा है आपके बिलासपुर में, ठीक है, 22 साल पहले यहां पर जो है ऋषभनाथ की प्रतिमा स्थापित कर दी गई थी, अभी तक मंदिर निर्माण का कार्य चल रहा है, पूरा नहीं हुआ, 2025 तक बनकर के तैयार होगा। इस मंदिर की विशेषता क्या है कि इस मंदिर को बनाने में एक भी सीमेंट और आपके किलो यानी लोहे का उपयोग नहीं हो रहा है, ठीक है। तो सर्वोदय आदिनाथ मंदिर कहां है, ये मौजूद है आपके बिलासपुर में। नेक्स्ट है आपका तेलीन सती माता मंदिर, तेलीन सती माता मंदिर ये हाल ही में चर्चा में क्यों आया, क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी इस मंदिर में जाकर के यहां पर पूजा किए थे, ठीक है,
तो ये प्रश्न पूछ सकता है कि तेलीन सती माता का मंदिर कहां पर है, धमतरी जिले में। नेक्स्ट है आपका फेरो स्क्रिप्ट निगम लिमिटेड, ये कहां पर है, भिलाई में। ध्यान दीजिएगा, फेरो स्क्रिप्ट निगम लिमिटेड सेल की जहां जहां पर आपकी स्टील प्लांट होगी, जहां जहां पर उसकी यूनिट होगी, उसी के पास में ही स्थापित किया जाता है फेरो स्क्रिप्ट निगम लिमिटेड। इसका काम क्या है, जो स्टील प्लांट से निकलने वाला जो अपशिष्ट है उसके पुनर्उपयोग के लिए स्थापित किया जाता है फेरो स्क्रिप्ट निगम लिमिटेड। हाल ही में चर्चा में क्यों रहा, केंद्र सरकार इसे बेचना चाह रही है, ठीक है, इसका इसे जो है आपकी केंद्र सरकार इसकी हिस्सेदारी बेचना चाह रही है। नेक्स्ट है आपका शाश्वता जिन राजेंद्र सूरी मंदिर, ये जो आपका शाश्वता जिन राजेंद्र सूरी मंदिर है ये नकपुरा दुर्ग में ये मंदिर बनाया जा रहा है। इस मंदिर में जो है आपके ऋषभ देव, भगवान चंद्रप्रभ, वारीसेन और वर्धमान, ठीक है, इनकी यहां पर प्रतिमाएं स्थापित की गई है। पहला जैन मंदिर जहां पर एक साथ चार चार जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा स्थापित की जा रही है। तो शाश्वता जिन राजेंद्र सूरी जैन मंदिर कहां पर है, दुर्ग नकपुरा में। नेक्स्ट है राज्य का पहला एंट्री एग्जिट द्वार वाला मॉडल हाट बाजार, ये मौजूद है आपके गीदम बारसूर दंतेवाड़ा में। ये एक हाट बाजार ही है, जो नॉर्मल बाजार रहता है वैसा ही है, लेकिन मॉडल एंट्री एग्जिट वाला, यानी कि ये जो आपका बाजार होगा इस बाजार में, ठीक है, इस बाजार में एक तरफ से इसका एंट्री होगा, दूसरे तरफ से एग्जिट होगा। एक मॉडल हाट बाजार है जो सर्व सुविधा युक्त है, पेयजल की व्यवस्था है यहाँ इस मॉडल हाट बाजार के अंतर्गत, सुलभ शौचालय है यहाँ पर, जो भी आपके व्यापारी यहाँ पर दुकान लगाएंगे उनके सामानों का वजन करके उन्हें स्थानीय बोली पर उनके वजन को बताया जाएगा, ऐसा एक हाट बाजार स्थापित किया गया है। तो याद रखिएगा कि राज्य का पहला एंट्री एग्जिट द्वार वाला मॉडल हाट बाजार जो कि मौजूद है दंतेवाड़ा जिले के बारसूर के अंतर्गत आने वाले गीदम में। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा कुछ नए तहसीलों की घोषणा की गई है, जैसे कि सुकमा जिले में आपका जगरगुंडा और दोरनापाल, ये दो नए तहसील की घोषणा किया गया है, जबकि बस्तर जिले में नानगुर, इसे नए तहसील बनाए जाने की घोषणा की गई है। अभी बना नहीं है, केवल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा घोषणा किया गया है कि ये नए तहसील बनाए जाएंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो छत्तीसगढ़ करंट अफेयर मई माह 2022 में इतना ही। किसी प्रकार डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।